वन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाब मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते होंगे कि वो अपनी पीएचडी किसी बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट से करें जैसे कि किसी आई से करें अगर आपके मन में भी ऐसे ही कोई ड्रीम है तो ये वीडियो आपके लिए है मैं आज आपको आई इंदौर के जो पी एच हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ अगर आपके पास सी नेट नहीं भी है तब पर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप सेलेक्ट हुए तो आप यहाँ से पी कर सकते हैं और आपको फेलोशिप भी प्रोवाइड की जाएगी तो बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे कि ये वेबसाइट आप ज़रूर देख लें इस वेबसाइट का डिटेल जो है मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएं क्लिक करके यहाँ पे पहुँच जाएं और इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं ये वीडियो आप देख सकते हैं कि आई इंदौर की वेबसाइट के ऊपर हूँ अब आई इंदौर में जो स्टूडेंट्स का इंटेक है पी प्रोग्राम के लिए वो दो तरीके से है एक तो इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ पर लिया जाता है और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यहाँ पे लिया जाता है अब अगर इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें तो मल्टीपल कैटेगरीज़ के थ्रू सिलेक्शन हो सकता है एक एफए है जिसमें हम कह सकते हैं फेलोशिप अवार्डी ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फेलोशिप कहीं ना कहीं से अवेलेबल है जैसे कि सी एस आई आर या किसी भी और जगह से इसके बाद टी ए यानि कि टीचिंग असिस्टेंटशिप भी यहाँ पे मिलती है तो ये एज अ स्कॉलरशिप मिलती है एम की गाइडलाइंस के हिसाब से इसके अलावा एस डब्ल्यू कैंडिडेट्स भी हैं यानी कि स्पॉन्सर्ड विदाउट इंस्टीट्यूशनल स्कॉलरशिप मतलब यहाँ इंस्टीट्यूट को स्कॉलरशिप आपको नहीं देनी है आप किसी और रिप्यूटेड आर ऑर्गेनाइजेशन से आपको uh, यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलेगी इसके अलावा आई का मतलब हो गया इंस्टीट्यूट स्टाफ तो ये ऐसे स्टाफ के लिए है जो आई इंदौर में ही काम कर रहे हैं तो उनके लिए ये है इसके अलावा डी एफ यानि कि डिफेंस फोर्सेस तो ऐसे लोग जो सर्व कर रहे हैं डिफेंस फोर्सेस को विदाउट एनी स्कॉलरशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट और सीटी यानी कि कॉलेज टीचर्स को तो परमानेंट इम्प्लॉई ऑफ द स्पॉन्सरिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी विदाउट एनी स्कॉलरशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूट तो बाकी जगहों पर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है बस टी यानी कि टीचिंग असिस्टेंटशिप में आपको फेलोशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी अब अगर हम लोग देखें तो ये मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं आप इसको चेकआउट कर सकते हैं मैं मेन चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर डिटेल्स दी हुई है अगर आप इंटरनेशनल हैं तो आपको इसको देखना होगा अब मैं बताता हूँ आपको कि डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग जो कि हम लोगों के मतलब का है क्योंकि अगर आप यहाँ गौर करें तो बायो साइंस एंड बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का सेक्शन यहाँ पे है तो अगर हम लोग इसको देखें यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ़ इंजीनियरिंग में मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या चाहिए तो अगर हम लोग देखें कि मास्टर्स डिग्री यहाँ पे हो सकती है मास्टर्स डिग्री इन द रिलीवेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इसके अलावा गेट क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है इसके अलावा अगर आपके पास चार साल का बैचलर्स डिग्री है या पाँच साल का इंटीग्रेटेड डिग्री है रेलिवेंट डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर गेट का क्वालिफिकेशन अगेन ज़रूरी है फिर मास्टर्स डिग्री इन द रेलिवेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस अब क्योंकि जो साइंस के सब्जेक्ट हैं मटीरियल साइंस वगैरह ये फिर आप यहाँ पर देखिए बायो साइंस में आप देख सकते हैं मास्टर्स डिग्री इन द रेलिवेंट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और विद फर्स्ट डिवीज़न ये बेसिकली यहाँ पे हर जगह पे आपका मास्टर्स डिग्री लग रहा है या चार साल का बैचलर्स डिग्री आपने देखा यहाँ पे लेकिन आपके साथ आपके पास गेट का क्वालिफिकेशन ज़रूरी है गेट क्वालिफाइड आप ज़रूर होने चाहिए इन सब एरियाज़ में ये वैकेंसी ये डिटेल्स हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अगर हम देखें तो गेट अगर आप डी एफ कैटेगरी या आई एस या सी टी या एस डब्ल्यू की कैटेगरी से आ रहे हैं तो आपको गेट का एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशनस एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ़ॉर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स यहाँ पे मैंशनड है इसको देख सकते हैं अब अगर हम लोग स्पेसिफिकली बी एस बी ई की बात करें देखिए लास्ट डेट क्या क्या है यहाँ पे मैंशनड है देखिए बाकी चीज़ें पुरानी हैं यहाँ पे उनको नहीं देखने की ज़रूरत है लेकिन जो बायो साइंस एंड बायो मेडिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट है वहाँ पे अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट जो है वो 11 फरवरी की है एलवेंथ फरवरी 2024 ये बात ज़्यादा ध्यान देने वाली है तो अगर हम इस पर क्लिक करें एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम बी तो ये देख सकते हैं ये बी का ही कोर uh, uh, जो पी है वो है तो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है 11 फरवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट एंड पीएचडी इंटरव्यू 23 फरवरी 2024 को होगा इंटरव्यू वगैरह और रिटर्न टेस्ट भी हो सकता है अब यहाँ पे देखिए ये सारे के सारे साइंटिस्ट की डिटेल दी हुई है जो कि यहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट्स uh, को लेंगे अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है आप क्लिक करके इनका जो बैकग्राउंड है किस एरिया में काम करते हैं ये सारी की सारी डिटेल्स आप पहले ही ले लें ये हाईली रिकमेंडेड है देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली एडवाइज टू विजिट द फैकल्टी प्रोफाइल्स नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है आपको कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई ऑनलाइन सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना है वेबसाइट के ज़रिए और उसके बाद दिस विल जनरेट अ यूनिक एप्लीकेशन नंबर हर एक स्टूडेंट के लिए एक यूनिक एप्लीकेशन नंबर आएगा फिर आपको फ़ीस देनी होगी यहाँ पर मैं दिखा दूंगा अभी अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये देखिए एडवर्टीजमेंट फॉर द इंस्टीट्यूशन अवेलेबल एट दिस नेक्स्ट कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू मस्ट ब्रिंग द साइंड हार्ड कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन आपको एप्लीकेशन जब आप फॉर्म फिल करोगे तो उसका प्रिंट आउट निकाल करके लेके जाना होगा अगर इंटरव्यू में आपको कॉल किया जाता है तो ठीक है इसके अलावा आपने क्योंकि जो फीस भरी होगी वो एस बी आई कलेक्ट से भरी होगी तो एस बी आई कलेक्ट की रिसिप्ट होनी चाहिए रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स होने चाहिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए और लास्ट थ्री मंथ्स की सैलरी स्लिप अगर आप एम्प्लॉई uh, रहे हैं कहीं देखिए इंटरव्यू वगैरह के लिए कोई टी ए डी ए वगैरह नहीं आपको मिलेगा इसके अलावा शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को मिनिमम टू लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन भी uh, भेजने होंगे जो वो इस एड्रेस के ऊपर भेज सकते हैं डायरेक्टली सॉरी इस एड्रेस के ऊपर बी एस बी ई पी एच डी एडमिशन्स एट द रेट ऑफ़ आई आई टी आई डॉट ए सी डॉट इन पर भेज सकते हैं ठीक है तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू अपीयर फॉर रिटन टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू वो आई 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 टी इंदौर कैंपस पे ही होगा ऑनलाइन इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने की सिचुएशन नहीं है यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में उनको कैसे अप्लाई करना है वो सब यहाँ पर दिया हुआ है कैटेगरीज़ ऑफ़ एडमिशन मैंने आपको बता दिया एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो एलिजिबिलिटी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यहाँ पर भी दिया हुआ है आप देख सकते हैं तो देखिए मिनिमम आपके पास फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए लाइफ साइंस माइक्रोबायो इन सब में इसके अलावा मिनिमम फर्स्ट क्लास एमटेक डिग्री ये होनी चाहिए ये ठीक है और इसके अलावा मिनिमम फ़र्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस ये सारी चीज़ें होंगी विद अ वैलिड यू जी सी सी एस आई आर जे आर एफ क्वालिफिकेशन और इक्वलेंट फेलोशिप यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है कि विद अ वैलड यू जी सी सी एस आई आर जे आर एफ क्वालिफिकेशन और इक्वेलेंट फेलोशिप यहाँ पर भी मैंशनड है कि विद अ व वैलिड यू जी सी सी एस आई आर जे आर एफ क्वालिफिकेशन और इक्वेलेंट फेलोशिप या आपके पास यहाँ पर भी मैंशनड है यू जी सी सी एस आई आर जे आर एफ क्वालिफिकेशन और इक्वेलेंट फेलोशिप फर्स्ट क्लास एज डिफाइंड बाय द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशनल अवार्ड डिग्रीज अब रिसर्च इंटरेस्ट ऑफ़ फैकल्टी मैंबर्स यहाँ पे मेन्शंड है अब देखिए मेन यहाँ पे एकवेलेंट फेलोशिप मैंशनड है आप इनसे कन्फर्म कर सकते हैं क्योंकि देखिए मेन पेज पे तो गेट का क्वालिफिकेशन मैंशनड है बट जो डिपार्टमेंट ऑफ़ बायोलॉजिकल साइंसेज में यहाँ पे यू जी सी सी एस आई आर जे आर एफ वगैरह भी मांग रहे हैं बट इक्वेलेंट फेलोशिप भी मांग रहे हैं एक बार आप कन्फर्म कर सकते हैं कि वेदर गेट क्वालिफाइड के बेसिस पे अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे क्योंकि मेन जो पेज है Uh, उस पर तो मैंशनड है ठीक है लेकिन यहाँ पे मैंशन uh, नहीं है गेट के बारे में तो आप कन्फर्म uh, कर सकते ठीक एक बार और यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे काइंडली रेफर टू द मेन पी एच एडवर्टाइजमेंट की अगर मैं बात करूँ अगर इसकी इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप तो देखिए ये वही पेज ओपन होकर के आ जाता है जो अभी अभी हम लोग जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे वैलिड गेट क्वालिफ़िकेशन मैंशनड है तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है आप इसको चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज़ पूछनी है जैसा कि मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे इसका क्वालिफ़िकेशन या फेलोशिप मैंशनड है मेन पेज पे गेट के बारे में मैंशनड है तो आपको क्या फॉलो करना है तो इस तरीके की कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप यहाँ पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इनके मेल आईडी के ज़रिए ठीक ये हो गया लेकिन आपसे एक ज़रूर मैं आपको बोलूँगा जैसे कि आप जो भी यहाँ पर जो प्रोफेसर्स दिए हुए हैं जिनका नाम दिया हुआ है आप उनकी इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आप पता कर पाएंगे कि वो किस एरिया में काम करते हैं जैसे प्रोफेसर अमित कुमार की जो यहाँ पे लिंक दिया हुआ है मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो अब देखिए ये अमित कुमार सर का जो प्रोफाइल है वो खुल करके आ गया है किस एरिया में काम करते हैं ये सब पता चल जाएगा आपको यहाँ से ठीक है तो उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से क्या करना है अब ये एडवर्टाइजमेंट मैंने बी बी का आपको दे दिया है अब नीचे अगर आप देखें तो ये बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में दिया हुआ है फ़िज़िक्स uh, वग़ैरह का भी uh, सारा का सारा प्रोसेस ग्यारह फरवरी को ही होना है आप नीचे स्क्रॉल करते हुए आइए अब ये सारी की सारी चीज़ें देखिए ऐसा ही है अब आपको कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है और अगर हम बात करें तो अगर कोई भी क्वेरी है तो यहाँ पे पी एच डी एट द रेट ऑफ़ आई आई टी आई डॉट ए सी डॉट इन पर आप क्लिक करके देख सकते हैं तो ये हो गया सारी की सारी डिटेल्स अगर हम यस यहाँ पे ऊपर आए तो अब इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पे अप्लाई करने का ऑनलाइन पोर्टल है यस ऑनलाइन पोर्टल ये है इस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं देखिए मैंने क्लिक किया था तो अभी ये आ रहा है सबसे पहले आप रजिस्टर कर ले तो रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर पे क्लिक करें और यहाँ पे आप अपना सारा डिटेल भरेंगे डिटेल भरने के बाद जब आप रजिस्टर कर देंगे कर लेंगे तो फिर उसके बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने आईडी पासवर्ड से और उसके बाद आप पूरा फॉर्म दोबारा से फिल करेंगे और फॉर्म फिल करने के बाद फिर आप अप्लाई कर लेंगे तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ये पूरा का पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है यहाँ पर ठीक है तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा Thank you so much and uh, have a good day.